हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी, कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। सो प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक्स देखा था, कमर्शियल बैंक। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सो बेसिकली सेकेंडरी फंक्शंस में दो फंक्शंस आते हैं, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। सेकेंड, प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज विद चेंजिंग टाइम। सो एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस में जो फर्स्ट सर्विस है वो यहाँ पर है, सर्विस एज मेडिएटिंग एजेंट। मेडिएटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज इंडिया इंडिया इम्पोर्ट कर रही है बाहर से, सपोज एग्जाम्पल यूएस से, यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इम्पोर्ट कर रही है। अब अगर इंडिया यूएस से कोई गुड्स मंगवाएगी तो इंडिया को पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? लेकिन इस पेमेंट में हमेशा ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ हो, ऐसा हो सकता है कि पेमेंट बाद में किया जाए, राइट? सो ऐसी सिचुएशन में बैंक एक लेटर प्रोवाइड करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब कि भाई आप क्रेडिट में इंडिया को गुड्स बेच दो, अगर ये इम्पोर्टर फेल हो गया कोई भी पैसे देने में तो हम जो बैंक है हम वो आपके पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो हम आपको दे देंगे, राइट? सो ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है, ये हमारे इंडिया के लिए एज अ हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि सपोज़ अभी अगर हम पर्सन जो ए है, जो इंडिया का पर्सन है, उसके पास अभी पैसे नहीं है, ना ही वो इतना लोन ले सकता है, राइट? अब बैंक अगर लेटर ऑफ क्रेडिट दे देती है यूएसए को, तो यूएसए को किससे मिल रहा है, श्योरिटी किससे मिल रही है, बैंक से, राइट? बैंक ने बोला है कि भाई अगर ए नहीं दे पाया तो हम तो देंगे ही देंगे। सो यहाँ पर यूएस रेडी हो जाएगा क्रेडिट में इंडिया वालों को गुड्स देने में, राइट? सो यहाँ पर हमारे इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई इससे तो बैंक को नुकसान होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। बैंक क्या करती है कि सपोज़ अगर ये ए पैसे नहीं दे पाता यूएस को, एक्सपोर्टर को, तो बैंक ए की सारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लेती है और उनको सेल करके अपने सारे पैसे निकाल लेती है, राइट? सो ये जो फंक्शन है लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने का, लेटर जो बैंक मीडिएटिंग एजेंट बनती है और वो लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर को, वो एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है प्रोवाइडेड बाय द बैंक। सेकेंड जो फंक्शन प्रोवाइड है वो है पे ऑफ टैक्स चलान। बैंक ऑटोमेटिकली जो भी सारे टैक्स चलान चलान्स होते हैं वो सारे पे कर लेती है। साथ ही साथ बैंक एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट प्रोवाइड करती है, मतलब एक तिजोरी टाइप बैंक्स के पास अवेलेबल होती है जो कि बैंक प्रोवाइड करती है। इसमें आप अपनी जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो आप उसमें रख सकते हो, जैसे ज्वेलरीज हो गया या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो वो सारे वहाँ पर बैंक में रखे जा सकते हैं। सेकेंडली बैंक माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बहुत ही जो छोटे छोटे जिनको बिजनेसेस स्टार्ट करने होते हैं सो उनके लिए बैंक्स फाइनेंस प्रोवाइड करती है। व्हेन सम पेमेंट आर टू बी मेड विद द फुल प्रूफ सिक्योरिटी, बैंक प्रोवाइड सर्विस टू द पेयर ऑफ इशूइंग ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। जैसा कि यहाँ पर एक्सपोर्टर को एक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, वैसे ही अगर कोई टाइप की सिक्योरिटी या श्योरिटी इंडिया में ही किसी दूसरे को देनी होती है तो वो भी बैंक प्रोवाइड करती है, जिसको बोलते हैं प्रूफ सिक्योरिटी या फिर उसको बोल सकते हैं पे ऑर्डर। सो ये सारी सर्विसेज हमारी आती है सेकेंडरी या फिर अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सेकेंड फंक्शन इज़ प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ विथ चेंजिंग टाइम। अब जैसा हमने देखा कि बैंक ओरिजिनेट, सबसे फर्स्ट जो बैंक एस्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 1401 में, राइट? उस टाइम पे जो बैंक का फंक्शन था उससे काफ़ी ज़्यादा बैंक्स के फंक्शन में अभी चेंज आ चुका है, और इसी चेंज को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, राइट? सो बैंक ने बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन किया है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया है, और अब जो बैंक एक जो सर्विस प्रोवाइड करती है जिसको बोला जाता है ऑनलाइन सर्विस, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, कि हम हमारे जो कैश है, हमारा जो मनी है, उसको हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए दो सर्विस प्रोवाइड की गई है, एक तो NEFT और एक RTGS, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
और ये तभी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग, दैट इज सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल एक्सचेंज. अब सेकेंड आता है, बैंक हमारे डीमैट फैसिलिटीज़, डीमैट अकाउंट भी ओपन करवाती है. डीमैट अकाउंट किस चीज़ में काम आता है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, फॉर द ट्रेडिंग ऑफ शेयर, फॉर इन्वेस्टिंग इन सम अदर फर्म्स. तो अगर हमें कोई भी फर्म के, कोई भी कंपनी के अगर हमें शेयर्स परचेज या सेल करने होते हैं, सो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है एंड दैट इज़ ओपन्ड थ्रू बैंक. डीमैट का फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, जहाँ पर शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में मिलता है. डीमटेरियलाइज मतलब कि फिजिकल फॉर्म में नहीं, पेपर फॉर्म में नहीं होता, ऑनलाइन फॉर्म में होता है, राइट. सो ये हो गया, ये हमारे बैंक के बेसिक फंक्शन नहीं है. जैसे बैंक का जो बेसिक फंक्शन था वो क्या है? एक्सेप्टिंग लोन, प्रोवाइडिंग, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग द लोन, ये बेसिक फंक्शन है. लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि क्योंकि इवोल्यूशन के साथ बैंक ने इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया है कि बैंक जो बेसिक फंक्शन है उसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑफ कमर्शियल बैंक. प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया. सो 1991 के पहले जो कमर्शियल बैंक्स थी वो प्राइवेट सेक्टर में भी थी, पब्लिक सेक्टर में भी थी. लेकिन जैसे ही 1991 के रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन लेके आया गया, सो उसमें फॉरेन की जो बैंक्स थी वो भी इंडिया में आ गई. अब यहाँ पर क्योंकि फॉरेन की बैंक्स इंडिया में आई, इसीलिए इंडिया ने एक स्कीड्यूल बनाया. क्या कहा? कि जो भी बैंक सेकेंड स्कीड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंदर लिस्टेड है, उन्हीं बैंक को हम स्कीड्यूल बैंक कहेंगे. और जो भी रिजर्व बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे उन स्कीड्यूल बैंक में ही एप्लीकेबल होंगे, राइट. सो स्कीड्यूल बैंक अगेन दो में डिवाइडेड है, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक. कमर्शियल बैंक में यहाँ पे आता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन एंड रीजनल रूरल बैंक, राइट. सो यहाँ पर हमें पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक पता है, प्राइवेट भी पता है. फॉरेन बैंक्स भी कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो अगर RBI के अंदर रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, तो वो भी हमारे स्कीड्यूल बैंक होंगे, राइट. इससे फ़ायदा क्या होता है कि ऐसे बैंक्स जो होते हैं जो RBI के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करते हैं. वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट नहीं लगा सकते या अपनी मर्जी से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है कि जो हम एज अ कस्टमर, जो हम बाहर हैं, उनको सेफ्टी रहती है. लेकिन ऐसे बैंक्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, वो कभी भी उठ सकते हैं. मतलब ऐसा हो सकता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं और फिर इन रिटर्न वो हमें भी ये बोल सकते हैं कि हम आपको पैसे आपके नहीं देंगे. जैसा कि अगर हमने हमारे पैसे कोई डिपॉज़िट करवा रखे हैं, हमने मनी डिपॉज़िट करवा रखा है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आई, और ऐसी सिचुएशंस आती भी है जहाँ पर बैंक उठ जाती है, मतलब बैंक के पास पैसे ही नहीं है. सो ऐसी जब सिचुएशन आती है और वो अगर स्कीड्यूल बैंक नहीं है, तो वो हमें भी हमारे पैसे देने से मना कर सकती है. लेकिन अगर ऐसी बैंक है जो कि स्कीड्यूल बैंक है, दैट इज़ विच आर लिस्टेड अंडर द RBI एक्ट 1934, ऐसी में जो कस्टमर्स हैं उनके पास थोड़ी सेफ्टी रहती है, क्योंकि दे आर रिजर्व, दे आर लिस्टेड अंडर द RBI. अब क्योंकि हम RBI पे आ ही गए, तो हम सेंट्रल बैंक देखते हैं. सेंट्रल बैंक वो बैंक होती है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ताकि वो जो इंटरेस्ट है, कस्टमर का इंटरेस्ट और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके. सो इसी के लिए सेंट्रल बैंक बनाई जाती है. सेंट्रल बैंक को काफ़ी सारे डेफिनेशन मिले. एक RP केंट है जिन्होंने डिफाइन किया है, द इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी. एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर. यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी है वो यही लिखी है, जनरल पब्लिक वेलफेयर, जो कि सारे जो काम करती है एक्सपांशन का, कॉन्ट्रैक्शन का, क्या चीज़, वैल्यू ऑफ मनी, किस चीज़ के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ पब्लिक. सो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मनी का मतलब जो भी इकोनॉमी में पैसे हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक. कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन का मतलब ये होता है कि जब भी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, मतलब सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, तो वैसे ही RBI ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती है
जिसकी वजह से सारे के सारे जो कस्टमर है वो अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, राइट। ऐसे कब करेंगे? जब बैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है आपके डिपॉजिट पे, तो सब क्या सोचेंगे कि चलो बैंक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है तो एक काम करते हैं, हम खर्चा करने के बजाय हम हमारे सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सप्लाई भी ज़्यादा है, तो जैसे ही सब लोग अपने पैसे बैंक को जाके दे देंगे तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी। और वही दूसरी सिचुएशन है जब सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट में बिल्कुल पैसे ही नहीं है, इकोनॉमी पूरी डाउन है। सो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, वो ऐसी पॉलिसीज निकालेगी कि सब लोग बैंक से लोन ले, राइट। वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, लोन के इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पर किसी के पास भी इकोनॉमी में कहीं पर भी मनी फ्लो नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देती है ताकि जितने भी कस्टमर है वो सारे लोन ले, मार्केट में इकोनॉमी में मनी का फ्लो हो, राइट। सो इसे बोलते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और ये काम कौन कर सकती है? सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी करती है, किस चीज़ के लिए? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर। इसीलिए सेंट्रल बैंक को एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री कहा जाता है, जिसका मेन या प्राइमरी फंक्शन हम बोले तो क्या है, इज टू एड, रेगुलेट एंड प्रमोट द इंटायर मनी मार्केट। क्या काम है? एड करना, रेगुलेट करना पूरा मनी मार्केट एंड द बैंकिंग सेक्टर, एंड एज वेल एज मेंटेन द मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरऑल इकोनॉमिक गुड ऑफ द नेशन। मतलब यहाँ पे बेसिक जो काम है, वो मेन जो काम है वो है कि पूरे इंटायर मनी मार्केट को वो रेगुलेट करे, पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करे, साथ ही साथ मॉनेटरी स्टेबिलिटी लेकर आए इकोनॉमी में, कि जब पैसे नहीं है, जब मनी फ्लो नहीं है, तो किस तरीके से आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को मनी फ्लो क्रिएट करना है, या जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसे है तो किस तरीके से उनको वापस से सभी के पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाने। तो ये है प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक का एक और जो फंक्शन है वो है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल एडवाइस एंड सजेशन टू द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट को कहाँ पे खर्चा करना है, किस तरीके से बजट सेट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा करना है, या फिर एजुकेशन पे कितना खर्चा करना है, ये सारी चीज़ें भी सेंट्रल बैंक एडवाइस करती है। फाइनल डिसीजन डेफिनेटली गवर्नमेंट का होता है, लेकिन एडवाइस करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। तो सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। Under the Reserve Bank of India Act 1934, RBI of India was established on April 1, 1935. 1st April 1935 को establish किया गया with a private paid-up capital of 5 crore, जिसका paid-up capital था 5 crore. RBI was nationalized on Jan 1, 1949. मतलब establish हुआ वो 1935 में, लेकिन वो nationalized कब हुआ? 1949. RBI is the apex bank of India, which supervise and regulate the entire banking as well as the function of monetary policy, जो कि हम देख चुके हैं कि सेंट्रल बैंक का काम होता है रेगुलेट करना सारे बैंकिंग सेक्टर को, और जितने भी पॉलिसीज है वो सेंट्रल बैंक ही बनाती है। अब क्योंकि RBI happens to be the central bank, इसीलिए RBI ये काम करेगी। जैसे कि कमर्शियल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं, अब RBI तो एपेक्स बैंक है, सबसे टॉप मोस्ट बैंक है, सो उसके भी फंक्शंस हैं। सो उसके भी हम फंक्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। RBI के फंक्शंस दो तरीके से डिवाइडेड है, एक है मॉनेटरी फंक्शन एंड द नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी फंक्शन। सो कमिंग टू द मॉनेटरी फंक्शन में फाइव फंक्शंस है। करेंसी इशू, सो RBI का काम है करेंसी इशू करना फ्रॉम रुपी टू एंड अबव, दो रुपए से लेके जितने भी उसके ऊपर करेंसी है वो सारी की सारी RBI इशू करती है। करेंसी नोट ऑफ रुपी वन एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन एक रुपये और उसके नीचे के जितने भी कॉइन्स, जो भी कॉइन को इशू करना होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट करता है, और रुपीज़ टू के ऊपर जो है वो RBI करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, रुपीज़ टू के ऊपर की जितनी भी करेंसी है वो RBI इशू करती है, लेकिन रुपी टू के नीचे जैसे वन एंड बिलो जो है वो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट करता है। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन रुपी नोट एंड करेंसी कॉइन इज डन बाय RBI, लेकिन सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो पूरा है RBI का। मतलब भले ही फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट इशू करती होगी सारे कॉइन्स
लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो फिर भी आरबीआई के पास ही है एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज अ एजेंट के रूप में करती है, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा करेंसी इशू, नेक्स्ट बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब हमारे लिए जो बैंक्स है, हमारे लिए जो बैंक है वो है कमर्शियल बैंक्स, लेकिन गवर्नमेंट के लिए जो बैंक है वो है आरबीआई। सो हमारे लिए जो कमर्शियल बैंक फंक्शन करती है वो सारे फंक्शन आरबीआई करती है फॉर द गवर्नमेंट, जैसे कि उनको एडवाइस, कोई भी चीज़ पे एडवाइस देना, उनका एज अ एजेंट काम करती है, एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंट के रूप में काम करती है, एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे जो भी कलेक्शन है, कोई कहीं से पैसा आ रहा है तो वो सारा का सारा गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई में जाएगा। ये जो गवर्नमेंट है वो अपने अकाउंट बीओबी या फिर इस तरीके के, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, इस तरीके के बैंक में अपने अकाउंट्स नहीं ओपन कर सकती। जो भी गवर्नमेंट के सारे पैसे हैं वो आरबीआई में आते हैं। इट मैनेज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब कंपनीज अगर जो शेयर्स इशू करती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स इशू करती है, तो उनको मैनेज करने का काम, बॉन्ड्स को मैनेज करने का काम, या फिर गवर्नमेंट के अकाउंट को मैनेज करना, ये सारे काम आरबीआई ही करती है। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट को कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो वो लोन भी प्रोवाइड करती है। इन शॉर्ट जो कमर्शियल बैंक हमारे लिए काम करती है वही सेम काम आरबीआई कर रही है फॉर द गवर्नमेंट। बैंकर्स बैंक एंड लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, मतलब कि आरबीआई गवर्नमेंट की तो बैंक है ही, साथ ही साथ दूसरे बैंकर्स की भी बैंक है। मतलब कि गवर्नमेंट को तो पैसों की ज़रूरत होती है तो आरबीआई प्रोवाइड करती है, जब बैंक्स को पैसों की ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली दूसरी बैंक्स को हेल्प करती ही है, साथ ही साथ अगर उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो आरबीआई उनकी हेल्प करती है। सो द आरबीआई इज़ द बैंकर एंड रेगुलेटर ऑफ ऑल द स्केड्यूल बैंक इन द कंट्री, इन मैनेजेस द कैश रिजर्व ऑफ द बैंक, डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट एज वेल एज डायरेक्ट्स द क्रेडिट पॉलिसी। मतलब जैसा कि हमने देखा कि सेंट्रल बैंक सारा रेगुलेशन करती है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि क्या क्या करती है। कैश रिजर्व, सारा कैश रिजर्व मैनेज करती है, कैसे क्रेडिट प्रोवाइड करना है वो बताती है, कितनी क्रेडिट पॉलिसी रखनी है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, ये सारी चीज़ें आरबीआई ही बताती है टू द बैंक। एंड इट इज़ ऑल्सो द लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट फॉर द स्केड्यूल बैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट मतलब कि जिसका कोई नहीं है उसका आरबीआई है। जिस बैंक को कोई भी दूसरी बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर रही है तो एज अ लास्ट रिसॉर्ट मतलब थक हार के उनको किसके पास जाना पड़ता है, आरबीआई, और आरबीआई उनकी हेल्प भी करती है। सो इट ऑल्सो एक्ट एज अ लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। नेक्स्ट क्रेडिट कंट्रोल, जो हमने इसमें इनिशियली पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, उसी को बोला जाता है क्रेडिट कंट्रोल। सो आरबीआई कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कि कितना क्रेडिट क्रिएट करना है, मतलब कितना लोन प्रोवाइड करना है, क्रेडिट क्रिएशन मतलब किस तरीके से लोन प्रोवाइड करना है, एंड द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कितना, किस तरीके से हमें इकॉनमी में मनी सप्लाई करनी है, कितना इंटरेस्ट रेट रखना है, तो ये सारे जो कंट्रोल है वो आरबीआई ही करती है। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसा हमें पता है कि हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि $1 इक्वल्स टू 72 रुपीज, 80 रुपीज, सो ये हो गई वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। अब आरबीआई का ये काम है कि वो रुपी की वैल्यू मेंटेन करे। सो रुपीज़ की वैल्यू मेंटेन करने के लिए आरबीआई को बाय या सेल करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन मार्केट। सो टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ रुपी, आरबीआई हैज़ टू बाय एंड सेल द फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन मार्केट। आरबीआई इज़ ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ इंडियन रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है उसको भी आरबीआई ही उसको मेंटेन करता है, राइट। एंड इट ऑल्सो एडमिनिस्टर द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय चेकिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो भी आरबीआई करता है। सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू आरबीआई। ये हो गए आरबीआई के मॉनिटरी फंड, जहाँ पे हमने देखा वो गवर्नमेंट की भी हेल्प कर रहा है, बैंक्स की भी हेल्प कर रहा है, सबसे मेन फंक्शन करेंसी इशू करने का काम कर रहा है, क्रेडिट कंट्रोल एंड फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट नॉन मॉनिटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट इज
रेगुलेटरी एंड सुपरविजन, तो यहाँ पर ही कहीं पे भी मॉनेटरी चीज़ नहीं इंक्लूड होगी। यहाँ पे मनी के अलावा जो फंक्शंस है वो हम देख रहे हैं। सो ये है सुपरवाइज करती है फंक्शंस ऑफ जो भी बैंक्स है, जैसे कि ब्रांच एक्सपांशन एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग ऑफ स्केड्यूल बैंक, किस मेथड से वो लोग फंक्शन कर रहे हैं या फिर किस तरीके से ब्रांच एक्सपांशन किया जाएगा। सो ये सारे फंक्शंस देखती है आरबीआई। प्रमोशनल फंक्शन, इवन टुडे देर आर मेनी पीपल इन इंडिया हु डू नॉट होल्ड अ बैंक अकाउंट, राइट, दे डिपेंड ऑन द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का मतलब कि किसी रिलेटिव से उन लोगों ने पैसे ले लिए, फ्रेंड से पैसे ले लिए, तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। सो आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट से पैसे लेते हैं। सो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से ऐसे लोगों को कन्वर्ट करे। इट बिकम डिफिकल्ट टू एसर्टेन द एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ मनी और अराइविंग एट द एक्चुअल फिगर ऑफ नेशनल इनकम। और क्योंकि वो इतने अनऑर्गेनाइज्ड वे से लोन लेते हैं, इसीलिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। हैंस आरबीआई ट्राइड टू क्रिएट द बैंकिंग अवेयरनेस। ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैंकिंग को प्रमोट करे, एडवर्टाइज करे, ताकि लोगों के पास अवेयरनेस ज़्यादा हो बैंक्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में बैंक की ब्रांचेस हो। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आरबीआई की। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है और रूरल अर्बन भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डिवाइडेड है। सो ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे मेक कंटिन्यूस एफर्ट्स इन द बैंकिंग स्फीयर, कि जहाँ पर कोई भी पॉलिसी में चेंजेस आ रहा है, रूरल के पीपल को भी उतना ही पता चले जितना अर्बन के लोगों को पता चल रहा है। साथ ही साथ कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए बैंकिंग सेक्टर को फॉर द बिजनेसेस लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ट्रेडिशनल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। सो ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना चाहिए, स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आरबीआई की। देन इट ऑल्सो मेक द एफर्ट टू इंक्रीज द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड एनहांस द अवेयरनेस, जो कि हमने पॉइंट देखा कि बैंकिंग सेक्टर का जो अवेयरनेस की बात है वो भी आरबीआई की है। कोई भी अगर आरबीआई, कोई भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आते हैं रिलेटेड टू बैंक, सो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मैनेज करना। सो आरबीआई ऑल्सो मैनेज द प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना। इट ऑल्सो पब्लिश ऑल द टाइप ऑफ बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड स्टेटिस्टिक्स एज वेल एज एक्सपर्ट आर्टिकल इन ऑर्डर टू प्रमोट द रिसर्च रिलेटेड बैंकिंग एंड मॉनेटरी इम्प्रूवमेंट इन द कंट्री। यहाँ पर क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सो इसीलिए यहाँ जो आरबीआई का एक और फंक्शन है कि जो भी बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या जो भी स्टेटिस्टिक्स है इकॉनमी के या जो आर्टिकल्स है, एक्सपर्ट्स लोग जो आर्टिकल्स देते हैं, उन सबको प्रमोट करने का काम भी आरबीआई ही करती है। सो ऑन द आरबीआई वेबसाइट पीपल कैन गेट फ्री एक्सेस टू सच इन्फॉर्मेशन। सो अगर आपको बैंक के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स रीड करने या स्टेटिस्टिक्स देखने कि भाई कितना इन्फ्लेशन हो रहा है या फिर कितना इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ है, कितनी रुपी की वैल्यू है, कैसे रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मनी ऑन एंड मनी अफेक्टिंग ऑन इकोनॉमी, आप वो सारी की सारी चीज़ें आरबीआई की वेबसाइट पर देख सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने सारे फंक्शंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी के साथ इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।